तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद स्माइल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है और ये काफी अच्छा मुझे लगा और मेरा एक्सपीरियंस इससे पहले से ही रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू क्यों ना शेयर किया जाए। और ये पैलेट बहुत ही अच्छा लगा, रीजनेबल लगा, तभी मैं आपको इसके साथ जो ये रिव्यू है इसका शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये पैलेट है, ठीक है। और ये आई शेडो पैलेट उन लोगों के लिए है जो मेकअप बिगनर्स हैं, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है ये। और अगर वैसे भी आप यूज करना चाहते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आगे बात करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये पैलेट कैसा लगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, नीचे आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा और वहां से आप मेरा चैनल का बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। और कोई भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जिस तरह की वीडियोस शेयर करती हूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और प्लीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, प्लीज वीडियो लाइक करना ना भूलें। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा बहुत लगता है कि हाँ, जो हम वीडियोज बना रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं कि इस आई शेडो में क्या क्या चीजें हैं और इसमें क्या आपको मिलेगा और क्या क्या चीजें इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंपनी है TYA, बाकी मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके अगर आपको ये पसंद आता है तो आप वहां जाकर ले सकते हैं, ठीक है। और ये पैलेट इसी तरीके का दिखता है जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, इसमें 48 शेड्स हैं आई शेडोज की, जो कि ज्यादातर लाइट शेड्स हैं, डार्क शेड्स इसमें कम है, ठीक है। अगर आपको डार्क शेड जैसे ब्राउन, डार्क ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन, डार्क ब्राउन है या ब्लैक है डार्क, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप वो पसंद करते हैं तो वो आप इसको मत लीजिए। लेकिन अगर ज्यादातर पिंक, लाइट ब्राउन ऐसी शेड्स या स्काई ब्लू या लाइट ब्लैक, ग्रे ऐसे पसंद करते हैं तो ये पैलेट आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको चार तरीके के कॉम्पैक्ट मिल जाएंगे, दो ग्लिटर वाले मिल जाएंगे आपके शेड के हिसाब से, एक लाइट शेड और एक डार्क शेड और एक नॉर्मल जो आप यूज कर सकते हैं डेली बेसिस के लिए, ठीक है। और इसमें आपको छह शेड्स मिल जाएंगी आपको लिप्स जो है लिपस्टिक की, ठीक है। आपको ये अभी देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया है ये TYA कंपनी का है, ठीक है। तो आप जब आपको लिंक में देखोगे तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो कि इसी कंपनी का है और ये इसके पूरे शेड्स हैं। ये आपको मैंने जैसे बताया तीन ब्लशर्स मिल जाएंगे, one, two and three, लाइट और थोड़ा और डार्क हो जाता है और फिर ये डार्क पिंक हो जाता है, ठीक है। और यह मैंने आपको जैसे बताया कि सारे शेड्स ऑलमोस्ट जो है इसमें लाइट हैं, तो आप ये देख सकते हो, बाकी ये सारे ऑलमोस्ट लाइट हैं। आपको अगर ब्लैक भी आप ट्राई करेंगे तो ये इतना ज्यादा डार्क नहीं आएगा। तो अगर आप सारी लाइट शेड पसंद करते हैं तो आप ये पसंद कर देख सकते हैं, ठीक है। ग्लिटर वाली है सारी ये, 325 रुपीज में, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि ज्यादा स्पेंड आपको नहीं करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हो, ये एक तरीके का इसमें से एक ये प्लेट निकल के आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें आपको चार तरह के कॉम्पैक्ट मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, 1, 2 and 3। ये दो जो है ग्लिटरी वाले हैं, ये आपके शेड के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इसको आप एक तरीके से कंसीलर की तरह यूज कर सकते हैं। मैं इसको कंसीलर की तरह यूज भी कर लेती हूँ समटाइम्स, जैसे नोज में अगर आप देखते हैं अपनी आईज को, अगर आप हाईलाइट करने के लिए देखते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं आपकी शेड के हिसाब से इन दोनों में से। और आपको ये अब नॉर्मल बेसिस में जैसे जाते हैं, अगर जैसे आपको पता है समर है अगर, तो आप ये कॉम्पैक्ट ड्राई कॉम्पैक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपको स्वेटिंग का थोड़ा कम प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ये इसमें आपको ये एक स्पॉन्ज मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको ये दो शेड्स मिल जाएंगे, ठीक सॉरी आप ये ब्रश मिल जाएंगे। ये वैसे इतना काम के नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्रश का पूरा सेट है तो मेरे हिसाब से 325 में इतना ब्रश के लिए छोड़ना इस पैक को मेरे हिसाब से तो बेवकूफी होगी, क्योंकि ब्रश तो आ जाते हैं लेकिन अच्छे प्रोडक्ट आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि आपको ये शेड्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग शेड्स होते हैं। जैसे मैंने पहले खरीदा था इसमें ये वाला शेड्स नहीं था, ये वाला शेड नहीं था, ठीक है। और ये वाला शेड भी नहीं था, ये वाला, ठीक है।
और पर्पल वाला, ठीक है। और ये आप इसमें मेरे को ये वाले शेड मिल गए हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का ग्लॉस तरीके का काम करता है, ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट शेड्स होते हैं, तो आपको अगर हम नॉर्मल लगा रहे हैं तो ये तरीके से आपको आपकी लिप्स को मॉइस्चराइज भी करते हैं, ठीक है। और ये तो आप ज्यादा, ये भी इतना नहीं है, लेकिन ये तो नॉर्मल 10-15 रुपए का मिल जाता है, तो अगर आपके पास वो भी है तो ये आप सिर्फ, अगर आप शेडोज की बात करें, आप ब्लशर की बात करें, अगर आप कॉम्पैक्ट की बात करें या लिपस्टिक की बात करें, तो ये डेली बेसिस में यूज करने वाली है। अगर नॉर्मल आप मॉइस्चराइज वाली लिपस्टिक पसंद करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट आप नॉर्मल जा सकते हैं, अगर आप ग्लिटरी या नॉन ग्लिटरी आप देख रहे हैं, ठीक है। और शेडोज देख सकते हैं, 48 शेडोज हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप मिरर आपको इसमें है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो मेकिंग है और एक्सपायरी देख लेनी है, कि कभी होता है कि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि एक्सपायरी ना हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक्सपायरी चेक कर लेनी है। जैसे कि आपको ये 4/3/2023 का दिख रहा है, तो ये प्रोडक्ट तब तक मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि कॉस्मेटिक एक्सपायरी के बाद यूज करना काफी हार्मफुल हो सकता है। बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, बाकी क्या क्या चीजें इसमें यूज की गई हैं, तो आपको एटलीस्ट क्लियरिटी रहेगी कि हाँ भाई इसमें क्या यूज हुआ है, ठीक है। लिपस्टिक के शेड्स हैं जो ये सारी इसके अंदर हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगी कि आपको एक शेड मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। और जैसे कि ये ब्लशर मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कैसे शेड आएगा ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला शेड आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला शेड आप यहाँ देख सकते हैं, तीनों अलग अलग शेड हैं। और अगर आप इसका जो कॉम्पैक्ट है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये जो इसको आप कंसीलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वैसे मैंने यूज़ किया हुआ है, ये आप कंसीलर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे भी आजकल जैसे ट्रेंड में है, तो आप इसको इस तरीके से आप यूज़ करोगे आईज के नीचे, ग्लिटरी एक पार्टी वेयर मेकअप के लिए हो जाता है, देख सकते हैं, ठीक है। आई शेडो मैंने किया हुआ ही है, लाइट शेड है, तो आप देख सकते हो। और बाकी अगर आप इस कंसीलर को इस तरीके से एक नोज वाला भी यूज कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, साथ ही साथ मैंने अमेजोन से एक शुगर कॉस्मेटिक की शेड मंगाई है, ठीक है। शुगर कॉस्मेटिक मेरा फेवरेट है, अगर आप किसी पार्टी वेयर के पार्टी के लिए जा रहे हैं तो आप शुगर कॉस्मेटिक की अगर लिपस्टिक यूज कर रहे हैं तो आपका स्मच का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप लेकिन इस लिपस्टिक को हमेशा याद रखिएगा, पार्टी में ही यूज करना है। ये शेड जो है आपका एक वाइन शेड है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसका जो आपका नंबर है आप देख सकते हो, मैं इसका बाकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, ये नंबर है 02 ब्रिंक ऑफ पिंक है ये, ठीक है, 4.5 ml का है ये, ठीक है। और ये शेड इस तरीके का, वैसे तो मैंने रेड लगाया हुआ है, बाकी आपको मैं दिखाती हूँ ये शेड दे करके, ये आप देख सकते हो ये शेड आएगा, बाकी मैंने थोड़ा रेड लगाया हुआ है, लेकिन ये वाइन हल्का वाइन पिंक टाइप आता है, डार्क मर्जेंटा भी नहीं आएगा, वाइन कलर ही आता है, आप भी देख सकते हो कि वाइन ही आ रहा है, ठीक है। शुगर कॉस्मेटिक हमेशा पार्टी के लिए मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप ये करिए, आप इसको कितना खाइए कितना पीए कुछ भी कीजिए, ये लिपस्टिक हटने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी लिपस्टिक में आपको अलग अलग तरीके के ट्रिक्स करने पड़ेंगे, अगर आप चाहेंगे कि मेरी लिपस्टिक नहीं हटती, क्योंकि हम लोग खाते हैं वहां पर जाकर कुछ भी करते हैं, वेडिंग्स वगैरह में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है हम फास्ट फूड वगैरह खाएंगे तो हमारी लिपस्टिक हट जाती है, फिर फोटोज में वो चीज नहीं आती है। लेकिन ये लिपस्टिक अगर आप थोड़ी सी हट जाएगी तो आपको मैं थोड़ा सा ड्राई होने के बाद दिखाऊंगी, तो ये बिल्कुल हटेगी नहीं, आप कितना रगड़ लो कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप इसको मॉइस्चराइजर से हटाओगे नहीं तब तक ये हटेगी नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि ये मैंने लगाया है, और ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको यूज करते हो
और अपनी पार्टीज के लिए, लेकिन पार्टीज के लिए आपको यूज करना मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आप यूज करोगे तब के जो लिप्स हैं वो ड्राई हो सकते हैं, क्योंकि स्मज वाली जो लिपस्टिक होती है वो आपके लिप्स को ज्यादा ड्राई करती है, ठीक है। तो अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो ये आप लिपस्टिक रिकमेंड करती हूँ मैं आपको, ये 499 रुपीज की मैंने परचेज की है। बाकी आप अलग अलग ऐप में जाकर देख सकते हो कि अगर आप डायरेक्ट कॉस्मेटिक शॉप्स पे जा रहे हो तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। कोड मैं आपको बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, कोड मैंने आपको साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, ये आपका कोड है। और ये दोनों प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है, कि आपको मैं वही चीज रिकमेंड करूंगी कि जो आपके आपके लिए अच्छी हो, आप बेनिफिशियल हो और सस्ती हो, और सस्ती के साथ अगर क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियस है प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आप ये ज्यादा महंगे पे नहीं जाना चाहते हैं तो ये आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरी आज का वीडियो, आप लोगों के साथ मैं जो रिव्यू शेयर किया। बाकी आपको पसंद आता है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर सकते हैं और ये पैलेट आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। ये दोनों चीजें आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसका लिंक शेयर मैंने किया हुआ है, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये अच्छा नहीं लगा है या कैसा लगा है, आपको एक्सपीरियंस में ऐसा जरूर शेयर कीजिएगा। आपको मैं अगर कोई होम रेमेडीज भी बताती हूँ तो मैं आपसे जरूर कहती हूँ कि प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। साथ ही साथ प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करना ना भूले, मैं आपको बार बार बोलती हूँ वीडियो लाइक करेंगे तो प्लीज मुझे अच्छा लगता है, मेरे को स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी वीडियोज लाइक करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको ये जिस तरीके की वीडियोस में ये ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह शेयर करती हूँ या होम रेमेडीज वगैरह शेयर करती हूँ, DIYs वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज इस वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले पा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में किसी DIY के साथ या किसी ऑनलाइन रिव्यू के साथ। तो बाय बाय।